एडमिशंस 2024 जी बिल्कुल, एडमिशंस ओपन हो गए हैं इटली के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज तो क्लोज भी हो गई है, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस। एमबीबीएस के एडमिशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। हमें बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे। हियर वी आर विद द वीडियो, पूरा अपडेट आपको मिलेगा, वी विल गाइड यू। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ओके, एज वी स्टार्ट दिस वीडियो, एक वन वर्ड आंसर आप मुझसे पूछेंगे। एडमिशंस आर ओपन फॉर एमबीबीएस ऑल्सो, एमबीबीएस के एडमिशंस ओपन है। नाउ देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। इसमें एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीका होता है। क्या है दो तरीके? या तो पहला आप करेंगे एप्लीकेशन इनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जहां आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एडमिशन का प्रोसीजर करेंगे। सेकंड तरीके में क्या होता है कि आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट के प्रोसीजर को करते हैं, जो होता है universitaly.it के प्लेटफॉर्म पर। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, सो चेकआउट कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 28th of March। अप्रैल से आपके प्री इनरोलमेंट और आपका जो एप्लीकेशन है एमबीबीएस का वो स्टार्ट हो जाता है, एंड इट विल गो टिल एंड ऑफ जुलाई। सो इस पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। मे बी दिस वीडियो विल बी अपलोडेड मे बी अराउंड 1st April और समथिंग। सो यस, आपके लिए एडमिशन इन वन वर्ड ओपन है। अब प्री इनरोलमेंट की बात करें तो आपको करना है सीधा प्री इनरोल। बट प्री इनरोलमेंट से पहले आपको आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस प्रोसेस में, इज टू पिक अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। आपको सबसे पहले एक प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी को पिक करना है। क्यों? बिकॉज प्री इनरोलमेंट मतलब क्या हुआ कि आपने परमिशन दे दी है कि आई विल कम टू योर यूनिवर्सिटी। प्री इनरोलमेंट आप एक ही बार कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स बहुत सोच समझ कर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर आपको पिक करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं। अब कैसे पिक करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है? There are two things. सबसे पहले आप ये देखिए कि उनका MBBS का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, कितने पर ही अलाउ करते हैं IMAT के स्कोर को लेकर। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है MBBS के लिए। ये दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर आप खुद को जज कर पाएंगे दैट ऑन दिस फैक्टर्स आई कैन गो फॉर दिस XYZ यूनिवर्सिटी। इनके कट ऑफ को मैं मैच कर पाऊंगा या इतनी सीट्स है तो देर आर चांसेज दैट आई विल गेट इन टू दिस यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स ये दो फैक्टर्स को याद रखिए, एंड वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू पिक अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। नाउ एस जैसे कि आप ये यूनिवर्सिटी पिक कर रहे हैं, आपके लिए एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ हाई होता है, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ सीट्स भी उन यूनिवर्सिटीज़ में कम होती है। वन मोर पॉइंटर इज कि वो यूनिवर्सिटी शायद आपसे आइल्स की भी डिमांड कर ले। दैट मीन्स टॉप यूनिवर्सिटी में घुसना है बहुत सारी मेहनत चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, थोड़ा सा मोटिवेशन पॉसिबल है, बट ये समझिए दैट गेटिंग इन टू अ टॉप यूनिवर्सिटी इज लिटिल हार्डर एज कम्पेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। सो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी। नाउ अब आपने यूनिवर्सिटी पिक कर ली, आपको मिल गया है किस यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, अब आप करेंगे डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का सिस्टम है तो एप्लीकेशन आपकी उस प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। अब इसमें ये जल्दी क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा होगा कि मैं जल्दी क्यों करूँ, कर दीजिए। बिकॉज आपके पास जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस एक्स यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, नाउ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी। उनका कितना कट ऑफ है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, उस हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे IMAT एग्जाम के लिए। मैं बताऊंगा क्या होता है IMAT। सो दिस इज रियली एडवाइस कि जल्दी से जल्दी प्री इनरोल करिए और उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। MBBS के बारे में और आपको जानना है, बहुत सारी डिटेल्स चाहिए, दिस वीडियो हैज़ एवरीथिंग। इट इज़ अ कम्प्लीट गाइड जो हमने बहुत पहले डाली थी, बट इसमें आपको सारी MBBS से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। अब IMAT की बात करें, जैसे हमारे यहाँ नीट की एग्जाम होती है, सिमिलरली टू गेट इन टू एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इटली यू नीड IMAT एग्जाम। IMAT का आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ जो होते हैं आपको उस यूनिवर्सिटी से मैच करना है। सो अब जब आपने प्री इनरोल कर दिया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर यूनिवर्सिटी, IMAT के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। IMAT की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, क्या आता है, सिलेबस एंड ऑल इंटरनेट पर वेरी इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट से पता करिए IMAT का क्या कोर्स है, कैसे आने वाला है, और इसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बिकॉज जितना डिफिकल्ट नीट क्लियर करना है, सिमिलरली इटली के लिए IMAT भी उतना ही डिफिकल्ट है। सो यू विल नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, इसीलिए हम बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी शुरू करिए और IMAT के प्रिपरेशन में लग जाइए। अब IMAT की बात करें तो IMAT के रजिस्ट्रेशन या स्लॉट्स ओपन होते हैं जून में, और ये एग्जाम आपकी होगी सेप्टेम्बर या अक्टूबर के मंथ में। सो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको भर भर कर मेहनत करना है IMAT के लिए, बिकॉज नीट और IMAT आर सिमिलर। वी कैन से दैट इंडिया के लिए जितनी आप नीट में मेहनत करने वाली, इतनी आपको IMAT में भी करनी है। सो करते जाइए, बिकॉज IMAT क्लियर नहीं हुआ, देर इज़ नो अदर वे टू गेट इन टू एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इटली। सो IMAT के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अभी से।
अब आपको आईमेट के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो इन द मंथ ऑफ जून जब इसके स्लॉट्स ओपन रहेंगे वी विल मेक अनदर डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम आईमेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आई गेस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है एंड यस विथ दिस आईमेट एग्जाम आईमेट की एग्जाम के थ्रू आप MBBS की 18 टू 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं इन इटली। सो 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर पाएंगे फॉर MBBS इन इटली। एंड आई गेस यस इतना ही है इस वीडियो में। MBBS की ये वीडियो एक बार चेकआउट करिएगा। IMAT के और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी विल ब्रिंग मोर सच कॉन्टेंट फॉर यू एंड यस दिस मच ओनली। कुछ क्वेश्चन है तो कॉमेंट करिए एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।